माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक फॉर फिजिक्स क्लास। अभी हम मॉड्यूल 5 ऑप्टिकल फाइबर डिस्कस कर रहे हैं। पिछले क्लास में हमने इंट्रोडक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्टिकल फाइबर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम फाइबर ऑप्टिक्स के केबल के अंदर कैसे लाइट बीम प्रोपागेट करती है, लाइट बीम कैसे ट्रैवल करती है, उसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है। सो इन ऑप्टिकल फाइबर द प्रिंसिपल फॉलोड इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो इस प्रिंसिपल को किस तरीके से अप्लाई होता है, सो फॉर दैट लेट अस ड्रॉ द फाइबर ऑप्टिक केबल इन ए पर्टिकुलर वे। Suppose this is your fiber optic cable, then the axis is this fiber axis. तो इसके अंदर जो light beam है, this is incident at a particular angle and it goes inside it, और उसके बाद ये TIR होता है, total internal reflection। आपको पता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सो इट सफर्स TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और लाइट बीम जो अंदर छोड़ा जाता है एक पर्टिकुलर एंगल में, सपोज I इज द एंगल और R इज द रिफ्रेक्शन एंगल, दिस इज R, दिस इज थीटा C, क्रिटिकल एंगल, दिस इज आर। तो एंड सबसे इंपॉर्टेंट, इफ एन वन इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर और N2 इज द रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग, तब हमारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस के लिए क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। द कंडीशन शुड बी साइन थीटा सी इज इक्वल टू एन टू बाय एन वन। तो इसका मतलब है कि जो एंगल से TIR होगा उस एंगल की साइन क्लेडिंग की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स और कोर की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स के रेशियो के साथ सेम होना चाहिए, या थीटा सी कैन बी डिराइव्ड आउट यूजिंग कोर एंड क्लेडिंग रिफ्रेक्टिव इंडेक्स। तो यहाँ एन वन एन टू इज इक्वल टू अराउंड 1.5 होता है, एन वन इज इक्वल टू 1.7 होता है। ध्यान रखना एन वन इज ऑलवेज ग्रेटर देन एन टू फॉर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, बिकॉज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑलवेज इट ऑकर्स इन द डेंसर मीडियम एट द डेंसर रेयरर बाउंड्री। तो सो दिस इज द प्रोपागेशन मैकेनिज्म ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। इट फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड द कंडीशन इज डिसाइडेड बाय द रेशियो ऑफ रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर एंड क्लेडिंग। कोर की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स हमेशा क्लेडिंग की रिफ्रेक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा होती है।
बट नॉट मच ग्रेटर, दोनों आसपास होती हैं. सो दिस इज द प्रोपागेशन मैकेनिज्म ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर. बाय हाउ और व्हाट प्रिंसिपल द ऑप्टिकल फाइबर ट्रैवल्स थ्रू इनसाइड द ऑप्टिकल फाइबर द लाइट बीम ट्रैवल्स. तो ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है. और अगले क्लास में हम एक्सेप्टेंस एंगल और एक्सेप्टेंस कोन के बारे में डिस्कस करेंगे.